धन्यवाद। इटकी प्रखंड का जमीन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इसको लेकर सारे भू रैयत आज इटकी प्रखंड परिसर में एक दिवसीय धरना दिए और अधिकारियों और भू माफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस क्रम में जो जमीन के रैयत हैं यानी जो घर बना के रह रहे हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा और अधिकारियों को यह भी कहा कि बैठे बैठे कैसे दाखिल खारिज हो जाता है जब हम 50 वर्षों से इस पे अपना निवास, पूरा गांव के लोग समझ रहे हैं ना, और हम गांव के पहान हुए और मेरे गांव में बहुत सा ऐसा जो पदार्थ जो कर रहे हैं ये अनलीगल है और ज़मीन दलालों के साथ में ये मिल के समझ रहे हैं ना गलत सलत करा रहे हैं। तो ये ज़मीन जो है गाँव का जो है पूरा रैयत जो है 100 साल से बसे हुए हैं और उसके बाद में हम लोग अभी ज़मीन कैसे छोड़ेंगे। हम लोग बार बार पौधा जैसे आग्रह किए थे पहले कि आके गांव में अपना समस्या को लेके अपना बैठे, हम लोग गांव का साथ देंगे, ये चीज़ हम लोग बोले थे। लेकिन हम लोग को कर्मचारी के दलाल लोग ज़मीन माफिया से मिलकर और ये लोग पूरे इटकी प्रखंड में ज़मीन माफिया से साठ गांठ रख के जो कर्मचारियों के साथ में जो लोग दलाल लोग रहते हैं उस सारा विधि वर्षा बताते हुए वो लोग जनता को पेरने का काम कर रहे हैं। और जिस तड़गड़ी में जो बार बार हम लोग एक बात को बोल रहे हैं कि ज़मीन मालिक अगर अपने आप को कहता है तो जिस टाइम आज से 50-60 साल पहले 100 साल पहले जो घर बनाया था उस टाइम वो लोग घर आके रोका क्यों नहीं। अगर ज़मीन मालिक था तो उसको उसी टाइम आके रोकना चाहिए कि मेरे ज़मीन से जो ज़मीन का जो हेरा फेरी हो रहा है ख़ास रूप से इस इटकी प्रखंड में, उसी के खिलाफ में हम लोग जो है आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि आज ज़मीन दलाल लोग इतना हावी है, इसमें हमारे जो पदाधिकारी लोग मिले हुए हैं तो हम लोग उनको आगाह करने आए हैं कि भाई अब कोई ज़मीन 22 तक दिखा रहा है एसटी प्लॉट है और 23 में वो जनरल हो गया, कोई गर्मजरुआ ज़मीन है उसको ये लोग बंदोबस्त कर दिया, कोई रहती ज़मीन है उसको जो है आपको ऑनलाइन में किसको जीरो कर दिया, किसको प्लॉट नंबर गलत कर दिया, इस तरह के ज़बरदस्ती जो है आपको जनता का दोहन हो रहा है। तो उसी के खिलाफ में हम लोग जो है आज हम लोग कुछ मुद्दे को लेके आए हैं कि भाई इस पर आप देखिए। क्योंकि ये लोग कर कह रहा है कि ज़मीन कब्जा किसी का है और बैठे बैठे यहाँ से जो है बंदोबस्ती कर दे रहा है, उसके नाम से दाखिल खारिज कर दे और हमारे कोई देखने वाला नहीं है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग जो है अभी लड़ाई शुरू किए हैं और इसको मंजिल तक पहुँचाएंगे।